नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई मुंबई। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा करंट जीके के बारे में, जो है मार्च महीने की हरियाणा करंट जीके, जिसमें कुछ क्वेश्चन फरवरी के भी होंगे, कुछ अप्रैल के भी होंगे। तो ये सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको पता है एसएससी एग्जाम की परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है। 31 अगस्त से हमारे एसएससी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास की हरियाणा करंट जीके के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहला क्वेश्चन यही है कि उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा। तो ये हरियाणा में पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां, कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का ये ध्यान रखना, उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थापित किया। नेक्स्ट है स्वस्थ सर्वेक्षण शहर 2019 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है, नौवां। ये आपको ध्यान रखना है, नौवां स्थान मिला हरियाणा को स्वच्छ सर्वेक्षण शहर 2019 में नौवां स्थान मिला है। और इसमें हरियाणा के कितने जिले हैं और वो कौन कौन से कितने नंबर पर है, करनाल, रोहतक, पंचकूला और गुरुग्राम। करनाल है वो 24वें नंबर पे, रोहतक वो पंचकूला 71वें नंबर पे, 80वें नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना है, करनाल है वो 24वें पे है, रोहतक 69वां, पंचकूला 71वां और गुरुग्राम 83वां। हरियाणा में केसरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, वो कहां पे हुई थी, केरल में। हरियाणा केसरी राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता कहां, केरल में। कब हुई थी, 25 से 27 फरवरी को, यह भी ध्यान रखना है। इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया था उसका उस पहलवान का पुरुष वर्ग में किसने स्थान प्राप्त किया था, पहला विशाल ने, और महिलाओं में नैना ने। सर्स मेला कहां लगा, अंबाला में। कब से कब, 5 मार्च तक, ये भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना हरियाणा में कहां से शुरू की गई है, पंचकूला से। कब, 5 मार्च 2019 को, ठीक। डॉक्टर सुनील दबास इनको द्रोणाचार्य और पद्म श्री एक साथ मिले हैं, द्रोणाचार्य और पद्म श्री, यह आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पुरस्कार, ये एकमात्र महिला है, महिला कोष है। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2018 इनको दिया है, डॉक्टर बक्शीराम को। डॉक्टर और युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार ये किसको दिया गया है, ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दिया गया है। अब नेक्स्ट
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा का कौन सा वो शहर है वो सबसे शीर्ष पर रहा है, वो है गुरुग्राम। सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम को इसका दर्जा मिला है। यह भी नेक्स्ट, एक सैनिक को शौर्य मेडल पुरस्कार दिया गया पीओके में कार्यवाही करने के लिए, उनका नाम क्या? अनिल दहिया। शौर्य मेडल पुरस्कार अनिल दहिया को पीओके में कार्रवाई करने के लिए ये इनको दिया गया है। नेक्स्ट, और पद्म भूषण पुरस्कार किनको दिया गया? दर्शनलाल जैन। पद्म भूषण पुरस्कार दर्शनलाल जैन, ये इनको क्यों दिया गया? इन्होंने सरस्वती नदी पर एक सराहनीय कार्य किया है, इसलिए इनको ये दिया गया है। हरियाणा का पहला पलस सक्षम ब्लॉक रोहतक का सांपला में, ये आपको याद रखना है, रोहतक सांपला, सांपला को यह हरियाणा का पहला पलस सक्षम ब्लॉक बनाया गया है, यह ध्यान रखना है। अब एक मेला आयोजित किया गया था अतुल्य भारत कुंभ का आयोजन 5 से 9 मार्च को, वो कहां पे? कुरुक्षेत्र में। अतुल्य भारत कुंभ का आयोजन कहां? कुरुक्षेत्र में, और कब? 5 मार्च को, ये भी ध्यान। अभी कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार दिया गया है, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये है रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन, कहां की रहने वाली है? रेवाड़ी की, ये भी याद रखना। कभी कभी पूछ लेते हैं कहां स्थान पूछ लेते हैं, रेवाड़ी। हरियाणा राज्य में वेस्ट प्लास्टिक से सड़कें बनाने के लिए किन 3 राज्यों को चुना है, वह कौन कौन से राज्य है? वेस्ट प्लास्टिक से सड़क कौन कौन से 3 राज्य? ये है रोहतक, सोनीपत और झज्जर। इन तीन जिलों में वेस्ट प्लास्टिक से सड़क बनाई जाएगी। हरियाणा प्रदेश का दूसरा एनबीआरटीपी सेंटर कहां खोला जाएगा? यह खोला जाएगा सोनीपत में, दूसरा एनबीआरटीपी सेंटर कहां खोला जाएगा? सोनीपत। ये कौन सा बोले थे? भगत कूद सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में, ये ध्यान रखना, खानपुर कला में हरियाणा का दूसरा एनबीआरटीपी सेंटर खोला जाएगा। हरियाणा में पद्मश्री पुरस्कार वितरित किए गए, पद्मश्री एक किन को मिले? एक तो मिला है बजरंग पूनिया को, किसान कमल सिंह चौहान, प्रगतिशील किसान के लिए, प्रगतिशील किसान के लिए इनको एक मिला है नरेंद्र सिंह, इनको पशुपालन
सुल्तान सिंह इनको मछली पालन के क्षेत्र में मिला है, मछली पालन के क्षेत्र में मिला है, इन चारों को पद्मश्री पुरस्कार से। नेक्स्ट, हरियाणा प्रदेश का पहला एबिक सेंटर कहां पे खुलेगा? पहला एबिक सेंटर ये खुलेगा इसार में। कॉलेज कौन सा है? कृषि विश्वविद्यालय इसार, ये याद रखना है। कृषि विश्वविद्यालय पहला सेंटर इसार में। फिल्म्स में आए थे मिस ग्लैमर इंटरनेशनल लुक अमेस्ट 2019 का अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है? ग्लैमर लुक मिस इंटरनेशनल अम्बेसडर अवार्ड 2019 किसने जीता है? रितु लखीना। ये कहां की रहने वाली है? फरीदाबाद की। और जो ये कहां पे आयोजित किया गया? फिलिप्स में। फिलिप्स में आयोजन किया गया इसका, और रितु लखीना ने जीता है, फरीदाबाद की रहने वाली है। हरियाणा में SBI प्रीमियम ई लॉबी सर्विस देने वाला पहला जिला रेवाड़ी। कौन सा है? रेवाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, रेवाड़ी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री परिवार कल्याण समृद्धि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना इंडिया का? हरियाणा। मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा मना है। हरियाणा के किस जिले में इको फ्रेंडली जेल बनी है? इको फ्रेंडली जेल पानीपत में, पानीपत में बनी है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2019 पर हरियाणा की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 23। महिलाओं को सम्मानित किया गया। याद रखना है, डेरी प्लाजा इसार के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? यह इसार में स्थापित किया जाएगा, इसार के किस स्थान पर? डेरी प्लाजा इसार के बेड़ में। अभी हाल ही में हरियाणा में गर्भवती महिलाओं में छोटे बच्चों को एनीमिया रोग से बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, वो उस अभियान का क्या नाम है? गर्भवती महिलाओं व बच्चों को एनीमिया रोग से बचाने के लिए अभियान, कौन सा अभियान है? अटल अभियान। अटल अभियान याद रखना है, अटल अभियान। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, हरियाणा राज्य का ऐसा कौन सा नगर निगम परिषद है जिसमें सीवरेज के मेन और की सफाई रोबोट से की जाएगी, वो है गुरुग्राम, याद रखना। कौन सा है? गुरुग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा में साइटों पर, हरियाणा में साइटों महिलाओं के लिए सामाजिक मुहिम चलाने वाली एक महिला को वेब वंडर वुमन का खिताब दिया गया, उस महिला क्या नाम है? वेब वंडर वुमन। ये कौन है? ये आईएएस ऑफिसर सोनम गुप्ता। गोयल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान 2018 हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को दिया गया? यह दिया गया गुरु जंबेश्वर। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय यानी जीजेयू। ठीक, नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया के तर्ज पर हरियाणा के झज्जर जिले के किस गांव को डिजिटल बनाया जाएगा? झज्जर के सांखोर गांव को। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यह है कि हरियाणा के व्यक्ति रहे 2.65 नैनो सेकंड में 10 बोतलें तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया, वो कौन है? दस बोतल तोड़कर गिनीज बुक में नाम, कौन है वो? सतीश। हाँ, के रहने वाले हैं सतीश कुमार, ये करनाल के, ये आपको ध्यान रखना है, करनाल के वाले। तो ये थी हरियाणा करंट अफेयर के बारे में जानकारी जो थी मार्च, फरवरी और मार्च महीने की। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।